नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ फोर स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन के वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें, और अंत में वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आपने फोर स्ट्रोक इंजन की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो एक बार जरूर पढ़ लें, जिससे आप वाल्व टाइमिंग डायग्राम अच्छे से समझ सकें। और नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ी बहुत थ्योरी मैं साथ साथ में बताऊंगा, वह भी ध्यान से आप सुन लें। सबसे पहले वाल्व टाइमिंग डायग्राम को हम डिफाइन कैसे किया जाता है यह बताने वाले हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, वाल्व टाइमिंग और डायग्राम, इनका यदि आप मतलब समझ लेते हैं तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। पहला वर्ड है वॉल्व। वॉल्व का यहाँ पर मतलब होता है जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर जो हम इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व यूज करते हैं, उन्हीं वॉल्व की इसमें बात की गई है। याद रखें कौन से वॉल्व, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व। दूसरा वर्ड है टाइमिंग। तो यहाँ पर किस टाइमिंग की बात की गई, वह भी आप ध्यान से सुने। जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व होता है उसके खुलने और बंद होने के समय को यहाँ पर बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टाइमिंग की बात की गई। याद रहेगा जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व है उसके ओपन और क्लोज होने के समय की बात की गई है। तीसरा वर्ड है डायग्राम। डायग्राम का मतलब होता है नॉर्मली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना। अब तीनों को अगर एक साथ डिफाइन करें कि वॉल्व टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, तो जो हमारे इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व हैं उनके क्लोज होने और ओपन होने के समय को हम एक डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं, वही क्या होता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम होता है। या हमारे जो इनलेट वॉल्व है और एग्जॉस्ट वॉल्व है उनके ओपन एंड क्लोज होने के समय के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब वॉल्व टाइमिंग डायग्राम हम फोर स्ट्रोक इंजन के पेट्रोल एंड डीजल दोनों के लिए समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन बात करने वाले हैं फोर स्ट्रोक इंजन की, कि फोर स्ट्रोक इंजन के लिए हम वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आपने साइकिल पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा। फोर स्ट्रोक इंजन की एक कंप्लीट साइकिल फोर स्ट्रोक के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, फोर स्ट्रोक के अंदर। और फोर स्ट्रोक इंजन के दौरान जो कंप्लीट होती है उसमें क्रैंकशाफ्ट दो चक्कर पूरे करती है, ये भी आपको याद रखना है। अब फोर स्ट्रोक कौन से होते हैं, एक तो सक्शन होता है, एक कंप्रेशन होता है, एक एक्सपेंशन होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। इन चारों के दौरान क्या होता है, सबसे पहले सक्शन होता है। सक्शन में क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है वह सिलेंडर के अंदर मूव होता है, ठीक है। चारों स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन का मूवमेंट है वह कैसा होता है, एक टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर, इस तरह फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, और फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। इसलिए इस तरह दो बार नीचे आती है, दो बार ऊपर आती है। और इसी दौरान जो हमारा मूवमेंट होता है पिस्टन का, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, इसी दौरान क्या होता है, जो हमारा वॉल्व है वह ओपन होता है और क्लोज होता है। तो वही जो पिस्टन के मूवमेंट के दौरान जो वॉल्व ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसी को हम क्या करते हैं, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बोलते हैं। या वॉल्व टाइमिंग जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वॉल्व का, इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व का, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। यहां पर हमने थ्योरी अच्छे से लिख दी, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम दो तरह के पढ़ते हैं, इसको भी आपको याद रखना। पहला कौन सा होता है, नॉर्मली थ्योरिटिकल डायग्राम। दूसरा होता है एक्चुअल डायग्राम। थियोरिटिकल डायग्राम होता है जिसमें नॉर्मल हम थ्योरी पढ़ते हैं, जैसा बताया जाता है वैसे हम तुरंत उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल में इंजन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कब एक्चुअल में ओपन होता है, कब एक्चुअल में बंद होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व, उसको रिप्रेजेंट करना क्या होता है, एक्चुअल वॉल्व डायग्राम। तो सबसे पहले हम थियोरिटिकल समझेंगे, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। जो यहां पर मैंने बना रखा है उसको सबसे पहले मैं बता देता हूं, तो अब मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसा आप समझते जाएं। जो यहाँ पर हमने एक साइकिल बना रखी फोर स्ट्रोक इंजन की, कौन से इंजन की, पेट्रोल इंजन की, यहाँ पर, तो इसी को आप समझ लें। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर कॉमन ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी डी सी, ठीक है, टी डी सी, टॉप डेड सेंटर।
और नीचे का क्या बोलते हैं, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, इसको आप अच्छे समझ लें। और यहां पर जो पिस्टन बनी हुई है, पिस्टन है, यह क्या करती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे मूवमेंट होता है इसका। तो जो पहला स्ट्रोक है, ये जो पहला स्ट्रोक बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। जो यहाँ पर इंटेक स्ट्रोक लिखा है, इसका सक्शन मतलब होता है। दूसरा है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा है पावर स्ट्रोक, चौथा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इस दौरान क्या होता है, इसको ध्यान से समझ लें। पहला जो स्ट्रोक होता है सक्शन, उसमें क्या होता है, जो हमारा इनलेट वॉल्व है, यह क्या होता है, खुला रहता है, ओपन होता है। जबकि जो हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व है, यहाँ पर लिखा है, यह क्या होता है, क्लोज होता है। और जो पिस्टन होती है, कैसा मूवमेंट करती, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टीडीसी से बीडीसी की ओर, ये आप याद रख लें, ठीक है। अब इस तरह जब दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता है, तो हमारा ऊपर जैसा मैं बता चुका हूं क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, और नीचे होता है बीडीसी, मतलब बॉटम डेड सेंटर। इसके अंदर जो मूवमेंट होता हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर होता, नीचे से ऊपर की ओर होता है, और जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व है, दोनों ही क्लोज रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक होता है, इसमें पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलती, मतलब टीडीसी से बॉटम डेड सेंटर की ओर चलती। और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, और जो एक्सपेंशन स्ट्रोक होते हैं, इसमें भी दोनों ही वॉल्व हमारे क्लोज रहते हैं। जबकि हमारा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, उसमें क्या होता है, जो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर मूव करती है, मतलब बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करती है, और जो इनलेट वॉल्व है वह क्लोज होता है, जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व कैसा रहता है, ओपन रहता है, क्योंकि वहां से हमारी जली हुई गैसें बाहर निकलती। ये थ्योरी थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा जी हमारा दिख रहा है यहाँ पर जो थ्योरेटिकल डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसको समझना है। सबसे पहले इसको समझने के हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। वर्टिकल लाइन में ऊपर सबसे क्या लिखेंगे, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, और नीचे हम क्या लिखेंगे, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी पिस्टन मूव कैसी करती है, टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी। इस दौरान जो हमारी क्रैंकशाफ्ट वाइज मूव कैसे करती है, जब हमारी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आती, तो हमारी क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूम जाती है, फिर बीडीसी से टीडीसी आती, तो हमारी और 180 डिग्री घूम जाती है, इस तरह 360 डिग्री घूम जाती है। उसी आधार पर इसको बनाना है। यहां पर जो वर्ड लिखे उनको सबसे पहले मैं समझा देता हूं मैं। ईवीसी मतलब होता है एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज, आईएस मतलब होता है यहां पर क्या होता है, इग्निशन स्टार्ट, ठीक है। ए सक्शन लिखा हुआ है, सक्शन स्ट्रोक ग्रीन कलर में बना हुआ है, एक्सपेंशन स्ट्रोक रेड कलर में बना हुआ है, और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर हो गया। ए जो येलो कलर का बिंदु बना, ईबीओ लिखा है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन लिखा हुआ है, ए येलो कलर का बिंदु बना, यहाँ पर आईवीसी लिखा है, इनलेट वॉल्व क्लोज लिखा हुआ है, ये आईबीओ लिखा है, इसका मतलब होता है इनलेट वॉल्व ओपन होता है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ है, ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब ये बनता कैसे, ध्यान से सुने। थ्योरेटिकल नॉर्मली सबसे पहले क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ हमारे पिस्टन का मूवमेंट सक्शन स्ट्रोक के द्वारा नीचे की ओर। जब सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या हुआ, इनलेट वॉल्व ओपन हुआ, तो यहां पर देखेंगे आप, ये लिख दिया मैंने, सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस बिंदु से स्टार्ट कर रहे हैं, और टीडीसी से चल रहे हैं, याद रखें, इसमें भी टीडीसी से समझते जाए, ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। और आईबीओ मतलब इनलेट वॉल्व ओपन है, जैसा थ्योरी में पढ़ा हमने वैसा ही इसमें लिख दिया, इनलेट वॉल्व ओपन। और जी हमारा कैसा चलेगा, ऐसा ऐसा सीधा चलेगा एंगल के रूप में, और कितना घूम जाता है, 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट घूम जाता है। इसी तरह इसमें टीडीसी पे पहुंचेगा हमारा, जो हमारी पिस्टन पहुंचेगी, तो हमारी कितनी 180 डिग्री एंगल में शो कराते हैं, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी नीचे की नीचे पहुंच जाती कंप्लीट बीडीसी पर हमारी पिस्टन, तो वहां पर इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है, ये लिखा है इनलेट वॉल्व क्लोज। इसके बाद दूसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता हुआ होता है कंप्रेशन। यहाँ पर देखेंगे आप कंप्रेशन, एक कंप्रेशन स्ट्रोक कैसे चलता है, बीडीसी से टीडीसी की ओर। तो यहां से हम आगे बढ़े, कहां से, यहां से देखेंगे आगे बढ़े, टीडीसी से बीडीसी की ओर चल रहे हैं, ऐसा ऐसा गए, और कहां पर जाते, सीधा हमने मान लिया कि हम कहां पहुंच गए, टीडीसी पर पहुंच गए, बीडीसी से, ये बीडीसी हमारा बीडीसी से टीडीसी पर पहुंच गए। और इस दौरान क्या होता है, जैसे मैंने बताया, फ्यूल हमारा कंप्रेस होगा, फ्यूल कंप्रेस होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हो जाता है सिलेंडर के अंदर, और उससे क्या होता है, जो हमारा, अगर हम किसकी बात करें, पेट्रोल इंजन की बात करें, तो इसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है यहाँ पर ये कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, तो उससे स्पार्क होता है, इग्नाइट होता है, और हमारा फ्यूल जलता है। फ्यूल जलने के बाद हमारा क्या होता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है हमारे पेट्रोल की, वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और हीट एनर्जी से जो एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हमारी गाड़ी चलती है, मतलब पावर मिलता है। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पर, जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, यह कहाँ, टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। तो हमारा यहाँ से देखो, यहाँ से जो सक्शन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक लिखा हुआ, ध्यान रखा है ये वाला, तो यहाँ से ऐसा मूव किया उसने, और कितना चलेगा, पूरा कहाँ तक आएगा, ये नीचे तक, यहाँ तक आएगा, मतलब बीडीसी तक आएगा। तो बीडीसी तक सीधा आया रेड कलर में, कहाँ पर, यहाँ पर आया, और जैसे ही यहाँ पर आया, तो हमारा राइट बीडीसी पहुंचा, तो वहां पर क्या होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो जाता है।
क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अब गैसें जल चुकी हैं, जो डीजल पेट्रोल जो हमारा डीजल वो पेट्रोल और एयर का मिक्सर हुआ जल चुका है, वाय कहाँ वाय क्या होगा बाहर निकलेगा, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया और इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। और जो हमारा ए वाली जो लाइन पूरी दर्शाई है, ए वाली कौन सी, ए वाली ए एग्जॉस्ट वाल्व की दर्शाई है पूरी, हमारी कहां तक चलती है, टीडीसी तक चलती है, ये आपको दिख रहा है, ये ऊपर की ओर चलेगा तो कहां पर पहुंचेगा पिस्टन, यहां पर पहुंचेगा और हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व हुआ है क्लोज हो जाता है। इस तरह नॉर्मल थ्योरेटिकल साइकिल होती है, याद रखें कौन सी होती है, थ्योरेटिकल साइकिल होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और बनता है, वह साइकिल मैं आगे समझाने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझें जी। हमने कैसे बनी हुई साइकिल थ्योरेटिकल, ये मैंने समझा दिया, पूरी की सभी वर्णों का मतलब बता दिया है, अब थ्योरेटिकल समझना बहुत जरूरी है, तो उसको ध्यान से समझें। तो अब ये डायग्राम सामने खुल गया, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझ लें। यहाँ पर लिखा टीडीसी, मतलब टॉप डेड सेंटर थ्योरेटिकल की तरह, और बॉटम डेड सेंटर कहाँ नीचे रहता है, क्योंकि पिस्टन कहाँ टीडीसी से बीडीसी मूव होना स्टार्ट करती है। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक की बात करेंगे, तो सक्शन स्ट्रोक में हम देखते हैं जब साइकिल कंप्लीट होती है तो हमारा क्या होता है, जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से नीचे से ऊपर की ओर चलती है, क्या चलती है हमारी, पिस्टन चलती है और टीडीसी पर पहुंचती है, फिर टीडीसी से बीडीसी की ओर बढ़ती है। तो एक्चुअल होता क्या है, ध्यान से समझें, एक्चुअल में जो यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है आपने देखा होगा, ये है हमारी टीडीसी, मतलब टीडीसी पे पहुंचती है पिस्टन, पहुंचती है एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान, लेकिन टीडीसी पर जैसे ही पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही इनलेट वाल्व है, जो हमारा लिखा इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है कहां पर, यहां पर, मतलब जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होता है उस टाइम कहां पहुंच रही है पिस्टन, टीडीसी पर पहुंच रही है, क्योंकि टीडीसी पर पहुंचने के बाद ही जो हमारा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, लेकिन सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट नहीं हुआ और हमारी पिस्टन कहां पर नहीं पहुंची है, टीडीसी पर नहीं पहुंची, उससे पहले ही 15 डिग्री, याद रखें कितना, 15 डिग्री, ऐसा एरो बना लें यहां पर, 15 डिग्री पहले ही हमारी इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी टीडीसी पर पिस्टन पहुंचने से पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो गया। अब इसका ध्यान रखें ऐसा क्यों होता, क्योंकि हम जानते हैं इनलेट वाल्व ओपन होने में कुछ ना कुछ समय लेता है, यदि एग्जैक्ट टीडीसी पर इनलेट वाल्व ओपन होगा तो वह उसमें जो हमारा अगर पेट्रोल इंजन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी देखो हेडिंग डली हुई है, तो आप तो उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सर होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और सक्शन सही से नहीं हो पाएगा, तो पहले ही चालू पहले ही क्या होता है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, जिससे उसके अंदर एयर हमारा अच्छी से पूरी तरह ओपन हो जाए इनलेट वाल्व और एयर फ्यूल का मिक्सर अंदर जाके। यदि एग्जैक्ट टाइम पे ओपन होगा तो ओपन होने में समय लगेगा, जब तक तो हमारी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारा जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर अच्छी तरह पूरी तरह नहीं भर पाएगा सिलेंडर के अंदर, ठीक है। दूसरा रीजन ये भी होता है पहले ओपन होने का कि उसके अंदर सक्शन सही से क्रिएट हो सके, क्योंकि एकदम से ओपन होगा और सीधी पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने लगेगी तो उसके अंदर सक्शन क्रिएट नहीं हो पाएगा और एयर और पेट्रोल का मिक्सर सिलेंडर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो समझ गए 15 डिग्री पहले क्यों ओपन होता है। अब यहां से चलना स्टार्ट होता है, देखो आप ये दिख रहा है पूरा ग्रीन कलर का एरो दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये कहां तक चलती है, तो सबसे पहले मान लिया कहां पर आए बीडीसी पर आए, लेकिन बीडीसी पर जब पहुंचता है, बीडीसी दिख रहा है बीडीसी पर पहुंचता है तो भी हमारा इनलेट वाल्व क्लोज नहीं होता है, क्लोज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लगभग ये दिख रहा है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री और आगे चलता है जब हमारा इनलेट वाल्व क्लोज होता है, यहां पर लिखा इनलेट वाल्व क्लोज, जब हमारा यहां पर 30 डिग्री और एक्स्ट्रा चल के इनलेट वाल्व क्लोज होता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर एग्जैक्ट बीडीसी पर बंद हो जाएगा तो पूरा सिलेंडर के दौरान क्या होता है, हमारा सक्शन क्रिएट होता है, मतलब सक्शन होता है, सक्शन का मतलब एयर और पेट्रोल का मिक्सर अंदर आता है, तो अगर यहीं पर बंद हो जाएगा और वहां पर पिस्टन ऑलरेडी रहती है तो हमारा पूरी तरह जो एयर फ्यूल का मिक्सर पूरी तरह जितना हमें चाहिए उतना नहीं आ पाएगा, तो इससे इसलिए क्या होता है हमारा जो हमारी पिस्टन है और अधिक 30 डिग्री चलती है या फिर कहते हैं उसका मूवमेंट होता है, मतलब और अधिक ओपन रहता है इनलेट जो इनलेट वॉल्व है, और 30 डिग्री एक्स्ट्रा चलने के बाद हमारा इनलेट वॉल्व क्लोज होता है, जिससे हमारा प्रॉपर जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर आ रहा है वह पूरी तरह आ सके। तो यहां पर हमारा 30 डिग्री एक्स्ट्रा चल के क्या होता है हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, और क्लोज होते ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है, जैसा मैं थ्योरी समझा चुका हूँ, इसमें क्या कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है हमारा बीडीसी से टीजीसी की ओर चालू होता है, तो अब बीडीसी से टीजीसी की ओर चल रहा है, अब यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा, तो आपको ये दिख रहा होगा ये पूरी चल रही लाइन, अब यहाँ पर आपने बिंदु देखा होगा इसका लिखा IES, IES मतलब इग्निशन स्टार्ट। अब जो क्या होता है जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर है, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सर है, वह जलना स्टार्ट होता है कितनी डिग्री पहले, यह याद रखें 35 डिग्री पहले, मतलब यहां से अगर सभी कंपेयर कहां से करेंगे टीडीसी से, मतलब टीडीसी पे पहुंचता नहीं है हमारी पिस्टन,
उससे पहले 35 डिग्री पहले इग्निशन मतलब फ्यू एयर और फ्यूल हमारा जो है वह जलना स्टार्ट हो जाता है। अब पहले से जलना क्यों स्टार्ट हो जाता है 35 डिग्री, क्योंकि अगर पहले से जलना स्टार्ट नहीं होगा तो अगर टीडीसी पे जलना स्टार्ट होगा और तुरंत उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाता है तो हमारा फ्यूल प्रॉपर नहीं जल पाएगा, उससे हीट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, इसलिए लगभग 35 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो जाता है। याद रखें सभी बुकों में अलग अलग एंगल दिए, एवरेज लेके चलें, जैसे कि इनलेट वाल्व ओपन होता तो 10 से 20 डिग्री के बीच में, ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री लिखा है, ये लगभग 30 से 40 डिग्री लिखा रहता है, 35 डिग्री भी लिखा कहीं, तो आप याद रखें ऐसे। यहाँ 35 डिग्री मैंने बताया जो हमारा इग्निशन स्टार्ट होता, कई जगह 30 डिग्री भी लिखा, 25 डिग्री भी लिखा, तो आप वो अलग अलग बुक में अलग लिखा है, आप एक एवरेज लेके चलें, कोई भी डायग्राम बनाएंगे जो भी एंगल बीच का लिखेंगे वो सही माना जाएगा। तो हमने इग्निशन स्टार्ट 35 डिग्री पहले ही हो गया टीडीसी पे पहुंचने से पहले ही, इस स्ट्रोक के दौरान कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान, मतलब यहाँ नहीं पहुंची पिस्टन, और लगभग पहले ही मतलब पहुंचने से पहले ही कितना लगभग 35 डिग्री ही स्टार्ट हो गया जलना, और फ्यूल यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह जल जाता है। यहाँ पर कहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, जब यहाँ पर पूरी तरह जल गया अब इसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक आगे देख रहा है, ये चल रहा है एक्सपेंशन स्ट्रोक, चलेगा कहाँ तक चलेगा और चलता जा रहा है। अब इस दौरान क्या है, क्योंकि हमारे पास जली हुई गैसें हैं उनमें जब पावर रहती है तो कंटिन्यू वह फोर्स करती हैं किसको, पिस्टन को, ठीक है, और हमारी गाड़ी चलती है उसे पावर मिलती है। लेकिन जो हमारी जली हुई गैसें जो पावरफुल गैसें होती हैं वह क्या करती हैं, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन लिखा हुआ है ईवीओ, वह पहले ही ओपन कर देती है उसको, क्योंकि वो जली हुई गैसें में कुछ मतलब उसकी स्पीड ज्यादा रहती है, जो कह सकते हैं पावर ज्यादा रहती है, वह जल्दी निकलने की कोशिश करती है। ये समझ लें लगभग 50 डिग्री पहले, 50 डिग्री मतलब जो हमारा बॉटम डेड सेंटर है उससे 50 डिग्री पहले क्या हो जाती है, ओपन हो जाता है एग्जॉस्ट वाल्व, और यहीं से हमारा धुएं के रूप धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारा धुआं निकल जाता है बीडीसी तक, ठीक है। तो बीडीसी पर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, हमारा बहुत सारा धुआं निकल जाता है और पावर भी मिलती रहती है, लेकिन बीडीसी के बाद हमारा पूरी तरह क्या होता है, हमारा धुआं निकलने लगता है, तो हमारा सीधा ये हमारा पूरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है, चलता जाता है, चलता जाता है, और यहाँ पर देख रहा है टीडीसी पर पहुंचता है, इसमें इसमें जो हमारा लास्ट वाला ये दिख रहा होगा तुम्हें, ये वाला हमारा एग्जॉस्ट नीचे से ऊपर की ओर चलता है, तब नीचे की सूबे यहाँ पर पहुंचेगा तो पूरी तरह गैसें खत्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट टीडीसी पर पहुंचता है उसके बाद भी हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है, क्या रहता है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन रहता है, कितना डिग्री ये दिख रहा होगा 20 डिग्री, मतलब यहाँ से अधिक एक्स्ट्रा खुला रहता है ये हमारा यहाँ तक EBO मतलब होता है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, मतलब 20 डिग्री अधिक और हमारा क्या रहता है लगभग क्या एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। क्यों ओपन रहता है, क्योंकि जिससे थोड़ी बहुत जो जली हुई गैसें बची हुई हैं वो भी पूरी तरह साफ हो जाए, और जब हमारा फिर से सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हो तो उसमें फ्रेश चार्ज मिल सके और उसमें कोई भी इंजन में खराबी ना हो, नॉकिंग ना हो, इंजन की इफिशियंसी में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम था, लेकिन एक्चुअल टाइमिंग डायग्राम तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने समझाने की कोशिश की उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब डीजल इंजन के लिए भी समझ लेते हैं, तो जैसा मैंने ऊपर समझाया उसको भी जल्दी समझा देता हूं। इसमें सिर्फ अंतर क्या याद रखना हमें, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सर है वह नहीं जाता, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है जो यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होता है, इसमें सिर्फ क्या जाती है ओनली एयर जाती है अंदर, ठीक है, और जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है इसके द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। तो जो सक्शन स्ट्रोक यहां से क्या है टीडीसी से और बीडीसी की ओर मूव होता है बीडीसी, ठीक है, तो हमारा पिस्टन का नीचे की ओर मूव हो रहा है। अब यहां से देखें, सबसे पहले हम जानते हैं जैसे मैंने बताया इनलेट वाल्व ओपन हुआ, अब इनलेट वाल्व यहां पर कुछ एंगल दिख रहा है टीडीसी, तो जबकि यहां पर दिख रहा हुआ यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले यहां पर लिखा 25 डिग्री, कितना लिखा हुआ है 25 डिग्री, मतलब जो हमारा इनलेट वॉल्व है लगभग 25 डिग्री पहले ही ओपन हो जाता है टीडीसी से बीडीसी की ओर, पिस्टन मूव हो उससे पहले ही स्टार्ट मतलब ओपन हो जाता है। ओपन क्यों हो जाता है, मैं पहले पिछली बार भी रीजन बता चुका हूं, जिससे कि एयर पूरी तरह अंदर जा सके, और इसके अलावा हमारा इनलेट वॉल्व ओपन होने में टाइम लेता है। अगर टीडीसी पर पहुंचने के बाद अगर इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो फिर हमारा एयर जो है हमारी पूरी तरह से अंदर नहीं जा पाएगी और सक्शन सही से क्रिएट नहीं होगा, तो पहले ही क्या होता ओपन हो जाता है जिससे सक्शन क्रिएट हो सके और प्रॉपर एयर अंदर जा सके। तो कितने डिग्री, बस याद रखना 25 डिग्री पहले ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब टीडीसी से ये हमारा ऐसा चलता है, कौन सा हमारा सक्शन स्ट्रोक चल रहा है, और यहाँ पर हमारा बीडीसी पहुंच गया, ये बीडीसी है, अब बीडीसी पहुंच गया, लेकिन बीडीसी पर भी हमारा जो इनलेट वाल्व है क्लोज नहीं होता,
25 डिग्री लगभग 25 डिग्री बाद बंद होता है। अब कुछ इस बुक में 30 डिग्री भी दिया होगा, 35 डिग्री भी दिया होगा, तो 25 टू 35 समझ के चले। अब यहाँ पर कितने बाद होता है, 30-25 डिग्री बाद में, मतलब इसका बता चुका हूँ क्यों होता है, क्योंकि जिससे और खुला रखते हैं तो प्रॉपर पूरी तरह या जितनी आनी चाहिए उतनी पूरी आ जाती है। अगर जल्दी ही बंद कर देंगे तो जो पिस्टन के कारण क्या होगा, जो वह पहले ही बंद हो जाएगा और एयर भी पूरी तरह अंदर नहीं आ पाएगी। तो इससे प्रॉपर इफिशियंसी के लिए हम और अधिक ओपन रहता है जी, इससे 25 डिग्री तक लगभग, ठीक है, 35 डिग्री भी लिखा कई जगह, 30 भी डिग्री भी लिखा है, तो ऐसा टेंशन न लें। तो 25 डिग्री मैंने मान लिया यहाँ पर। अब कहाँ पर देखो, ए हो गया, ए कंप्लीट पहुंचा, अब यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, पिस्टन। अब पिस्टन अब नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा और कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और पिस्टन कहाँ से, यहाँ से ऊपर की ओर चलती जा रही, ठीक है, अभी चलती जा रही है यहाँ। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो ये लिखा FIS, फ्यूल इंजेक्शन, ठीक, क्या लिखा, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट, FIS का यहाँ फॉर्म दिए, पढ़ सकते, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट। तो फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हुआ, फ्यूल इंजेक्टर मतलब फ्यूल को स्प्रे करना स्टार्ट हुआ। अब TDC से कितने पहले स्टार्ट कर देता है, TDC है यहाँ पर, कितने पहले, 5 डिग्री पहले स्टार्ट कर देता, 5 डिग्री पहले, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर 5 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाता है। 5 डिग्री पहले स्टार्ट हो क्यों हो जाता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिससे हमारा इग्निशन सही से क्रिएट हो सके, हमारा फ्यूल एयर फ्यूल जल सके और उसको इंजन को सही से पावर मिल सके। क्योंकि अगर TDC से स्टार्ट ही होगा तो पावर मिलने में टाइम लगेगा और हमारी क्या हो, फ्री जो भी होता है उतनी इफिशियंसी इंजन की नहीं रहेगी। तो पहले ही स्टार्ट हो गया और कहाँ पर, यहाँ तक पूरी तरह इग्नाइट हो जाता है फ्यूल हमारा, और फिर उसको पावर कंटिन्यू मिलती रहती है और हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा जिसके द्वारा हमारी गाड़ी चलती है, ये हमारा चल रहा है। अब यहाँ पर देखें, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, लेकिन कितने पहले हो गया, मतलब BDC पे पहुंचने से पहले ही। यहाँ पर देखो ये हमारा चल रहा था, ये BDC पे नहीं पहुंचा, यहाँ पर क्या होता है, BDC पे नहीं पहुंचा, लेकिन पहले ही लगभग 50 डिग्री पहले ही ओपन हो गया, यहाँ पर ओपन हुआ। अब ओपन हो गया क्यों, ओपन हो गया मैं बता चुका हूँ कि पहले ही जो जली हुई गैसें हैं, कुछ हमारी जो गैसें हैं वो तुरंत ही बाहर निकल जाती हैं, वेस्टेज गैसें होती हैं, जो हमारा फ्यूल जलता है, डीजल और जो एयर होती हुआ जलती है, तो हमारा क्या आगे सीधा जलता हुआ जो धुआं निकलता जाएगा, हमारी गाड़ी चलती जाएगी। और क्या होता है, हमारा जो सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि यहाँ TDC पर पहुंच गया, लेकिन इसके अलावा भी 15 डिग्री और खुला रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होने से पहले, TDC पर पहुंचने के बाद भी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है कितना, 15 डिग्री बाद होता है, जिससे कि पूरी तरह उसका धुआं साफ हो सके और निकल सके। तो ये हमारी कोशिश थी समझाने की आखिर कैसे ड्रॉ किया गया, इसमें एंगल का मतलब क्या है, और ये वॉल्व जो भी बने हुए हैं इनका सबका मतलब क्या है। उम्मीद है समझ में आया होगा, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सक्शन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक, देखो ये लिखा हुआ है, और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, लाइनों पर यहाँ पर निशान जो एरो बने हुए हैं सब समझ सकते हैं आप। उम्मीद है समझ में आया होगा जैसा मैंने समझाने की कोशिश की, और भी आगे इस तरह की वीडियो लेकर आऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।